हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत सर और आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ये सॉल्यूशंस पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 कवर कर दिए हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन केस ऑफ एन इंडक्टेंस करंट इज प्रोपोर्शनल टू, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो द इन केस ऑफ इंडक्टेंस करंट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिफॉर्म इंडक्टेंस। जो ऑप्शन दिए इसमें से हमें चॉइस करना है कि कौन सा है वो इंडक्टर का यूज नहीं है। तो पहले तो बात इंडक्टर ये यूज है, सेकेंड हमें चेक करना है कि वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर यूनिट है या नहीं, उसके बाद हम सी देखेंगे। तो हमें पता है फॉर्मूला है ईएमएफ का, इट इज इक्वल टू द दिस एन टर्म्स मल्टीप्लाई बाय और इट इज इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस एल इन टू di/dt, so we can write here it is L into delta I by delta t, so L it is equal to the EMF multiplied by delta t divided by delta I, so L it is the inductance and is unit, एक तो हेनरी है और दूसरा क्या है इससे देख सकते हैं हम। यहाँ पे EMF का यूनिट होता है वोल्ट, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड और अपॉन करंट का यूनिट है एम्पियर। सो होल्ड सेकंड पर एम्पियर ऐसा करके है, यस होल्ड सेकंड पर एम्पियर, दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अब उस रही बात सी की, तो होल्ड कूलम पर होल्ड एम्पियर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एम्पियर है, एम्पियर है, तो कूलम अपॉन होल्ड इज नॉट इक्वल टू होल्ड सेकंड, यहाँ से देख सकते हैं दिस इज नॉट द यूनिट। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय विच अ काउंटर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस इज नोन एज। तो वी कैन सी द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी इट इज अ सीरीज एडिंग इंडक्टेंस, सी सेल्फ इंडक्टेंस, डी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, so property by which a counter EMF is induced in it when the current through the coil changes। अगर current change होने पर उसमें EMF generate होता है, isn't it? तो coil में जो होता है वो current induced हो रहा है by और EMF produce हो रहा है, तो this is because of the changing current through the coil and that is nothing but the definition of self inductance, hence option C is the correct। Now question number 14, which of the following inductor will have least eddy current losses? हमारे पास option A है air core, B laminated iron core, C iron core और D power iron core। तो इसमें से देख सकते हो कि आपके पास चार option है जिसमें क्या हो रहा है, inductor will have the least eddy current losses। ये पता है कि जब current flow होता है किसी और करंट चीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है उसमें हीट जनरेट होती है एंड दैट इज एक्चुअली द एडी करंट लॉसेस। तो वो कम, सबसे कम किस में होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इट इज एयर कोर, एयर कोर में क्या होता है एडी करंट बहुत कम लॉस होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, अ लैमिनेटेड आयरन कोर हैज रिड्यूस्ड एडी करंट लॉसेस बिकॉज। तो हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हैं एंड विच आर रिड्यूसिंग द एडी करंट, एडी करंट लॉस होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें हीट बढ़ के हमारे इंस्ट्रूमेंट को, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, हीट की वजह से वो जल सकता है। सो द आयरन कोर दैट वी आर यूजिंग बेसिकली लैमिनेटेड एंड विच आर रिड्यूसिंग द एडी करंट लॉसेस, सो हाउ इट इज रिड्यूसिंग दिस एडी करंट लॉस। So the reason is that there are four options, laminated laminations are packed vertically, B hai magnetic flux is caused in the air gap of the core, C hai laminations are insulated on each other
एंड डी है मोर वायर कैन बी यूज फॉर द लेस ग्रुप। तो इसका रीजन है कि हम क्या करते हैं, जो लैमिनेशन है लैमिनेशन का इंसुलेशन करते हैं, क्या करते हैं लैमिनेशन करते हैं यूज फॉर द इंसुलेटिंग फ्रॉम द फाइबर। सो द ऑप्शन टू इज द करेक्ट, द लैमिनेशन आर इंसुलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 10 इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 12 एंड मेड रोटेट विद एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फिक्स। इफ देयर इज अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द रीजन द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड फिक्स। तो पहले तो क्या गिवन है आपको, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है कितनी है 12L है लेंथ स्ट्रिंग की, और उसके बाद यहाँ पे एक रॉड कनेक्ट किया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ रॉड इट इज द L, ठीक है, एंड इट इज अ मूविंग ओके इन दिस डायरेक्शन। दिस ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रोटेटिंग रॉड, एंड वी कैन सी दिस देयर इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल, इट इज अ फिक्स ऑन इट एंड हियर इट इज अ फिक्स, and the magnetic field B, it is a B in this region. So we have to find the induced EMF across the ends of the rod, okay? So this is the our question, and in terms of derivation, we have to solve this EMF in terms of magnetic field, in terms of omega, in terms of L. So how do we calculate this question? Aap kuch video pause karke ek baar try karo. This question, as we know the EMF, it is equal to the BBL, isn't it? BBL. So, इसको मैं represent कर देता हूँ BB in terms BB, और यहाँ पे इसकी जो length है तो integration के form में मैं लिख दूंगा इसको V, it is a B. एंड वी हम उसको लिख सकते हैं ओमेगा इन टू एक्स इंस्टेड ऑफ एल आई विल पुट द डी एक्स एंड वी विल इंटीग्रेट इट। सो द टोटल ई एम एफ दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ बी ओमेगा एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रॉड है यहाँ की लेंथ ट्वाइस एल से लेकर दिस ट्वाइस एल प्लस एल इट विल बिकम थ्राइस एल। सो दिस ट्वाइस एल से लेकर थ्राइस एल, तो लोअर लिमिट हमारा ट्वाइस एल होगा, अपर लिमिट थ्राइस एल होगा। सो वी कैन पुट हियर ट्वाइस एल से लेकर थ्राइस एल, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा व्हाट एवर इट इज इक्वल टू द सो बी ओमेगा और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इट इज वी हैव टू फाइंड, एंड इसका हमने स्मॉल पोर्शन लिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अ डी एक्स, ठीक है। It is the b omega integration of x कितना होगा, x square divided by 2 और इसके upper limit होगी thrice l, lower limit twice l, it is equal to b times omega। तो यहाँ पे हम put कर देंगे 2, हम बाहर निकाल लेते हैं denominator का, तो x square की जगह पहले हम thrice l put करेंगे, thrice l whole bracket square minus उसके बाद twice l whole bracket square, इसको हम square bracket में रख देंगे। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें बी ओमेगा अपॉन टू इन टू थ्राइस एल होल ब्रैकेट स्क्वायर इट विल बी 9L स्क्वायर माइनस ट्वाइस एल होल ब्रैकेट स्क्वायर इट विल बी 4L स्क्वायर। तो हमें मिलेगा बी ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 5L स्क्वायर। तो हमें मिलेगा 5/2 बी omega L square, okay. So we can check the option, this is the EMF and this option B is the correct answer of this question. Now question number 17. A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to the x axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere se lekar 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? So, pehle hume kya find out karna hai? Induced EMF find out karna hai. Induced EMF find out karna hai. Kya diya hua hai? A long solenoid with 15 turns per centimeter. So,
तो पहले तो इसको हम करेक्शन कर देंगे, पर मीटर करना पड़ेगा 15 टन पर सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर मतलब 10^-2 मीटर, तो ये ऊपर चला जाएगा 10^-2, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सो 15 × 100 दैट इज इक्वल टू 1500 नंबर ऑफ टन्स पर मीटर, ठीक है। तो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ टन्स पर मीटर, तो इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद है द स्मॉल लूप ऑफ एरिया इज गिवन, 2 cm² एरिया इज गिवन, सो हाउ कैन वी कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर। सो एज वी नो 1 cm इज इक्वल टू 10^-2 और इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब 10^-4 हो जाएगा। सो 2 × 10^-4 स्क्वायर मीटर एरिया हमें मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द एरिया Inside a solenoid normal piece axis, if the current carried by the solenoid changes steadily, current given here change in current 2 ampere like 4 ampere in 0.1 second, it means that we can find the di/dt change in current with time. So 4 − 2 that is change in current divided by kitne samay mein 0.1 second mein, to yahan pe nikal sakte hum di/dt 4 − 2 it is a 2 divided by 0.1 मतलब 10^-1 ऊपर चला जाएगा तो 10^+10 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 10 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स अस 20 एम्पीयर पर सेकंड व्हिच इज द चेंज इन करंट विद टाइम। तो ये भी हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है ईएमएफ, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सो हाउ कैन वी फाइंड दिस ईएमएफ फ्रॉम दिस गिवन वैल्यूज, सो दैट वी कैन सी हियर। So we have a formula to find the EMF. Okay, here. EMF, it is equal to d∅/dt. So EMF is a change in flux with respect to the time, isn't it? And as we know the flux, it is a flux is nothing but a magnetic field into area, B into A. And this area is a constant, so this EMF it is equal to d∅/dt of B. So what is the B? B is the magnetic field, and in terms of it is mu naught Ni. So B is the value of constant, so that is the number of turns, N is the number of turns per meter. Okay, or I is the current, then B is equal to mu naught N times I. So here we can see that this mu naught it is a constant 4π × 10^-7. N क्या है number of turns per unit length, एक unit length के लिए कितने number of turns, वो भी तो constant है और current उसमें vary हो जाएगा, तो हम calculate कर सकते हैं यहाँ पे the constant term we will take out from the derivative, so it will be mu naught times N into di/dt, ठीक है। तो हम इसमें जो गिवन वैल्यूज है दैट वी विल पुट, तो एरिया कितना गिवन है, वी कैन सी हियर इट इज एरिया 2 × 10^-4, सो वी विल पुट 10 × 10^-4। सो नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन, इट इज अ म्यू नॉट, एज वी नो द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इट इज द 4π, दैट इज अ पाई वैल्यू 3.14 × 10^-7, which is the value of mu naught, and the number of turns per unit length. N क्या होता है? Number of turns per unit length. And as we have it is given 1500, so we will put the 1500 multiply by the change in current with time that we have calculated 20. So यहाँ पर हम क्या करेंगे? Calculation करेंगे, multiplication करेंगे, and we can see here. This multiplication it is 240 × 3.14 multiply by यहाँ पे जो भी power है उसकी हमें power जो होता है base 10 की power है, तो base से भी तो power की addition −4 + −7, ठीक है। और यहाँ पे इसका हमने 2 ले लिया तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी एक हो गया तो ये हो गया +1, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 7.536 × 10^-6, ओके, एंड दिस विल बी द वोल्टेज।
ठीक है. सो वी कैन सी द आंसर हियर, द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी. If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the flux linkage with other coil? So, देख सकते हैं यहाँ पे कि adjacent pair of adjacent coil has mutual inductance is given and it is 1.5 henry. And if the current in one coil changes, एक coil में current होता है 0 से लेकर 20 ampere. चेंज हो रहा है कितने समय में 0.5 सेकंड में और इंडक्टर्स गिवन है और वी हैव टू फाइंड द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल. अदर कॉइल तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है कि मैक्सिमम जो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज कितना हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे दिस फाई इट इज इक्वल टू द एम इनटू डी आई बाय डी टी. ठीक है. सो एम इनटू डी आई बाय डी टी. सो उसके लिए हम देख सकते हैं कि फाई है मैग्नेटिक प्लस एंड इसका इंडक्टेंस गिवन है 0.5. सो इट इज 1.5 इनटू चेंजिंग करंट विद टाइम. यू कैन सी हियर 20 से 0 से लेकर 20 एंपियर तक करंट चेंज हो रहा है. सो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय द टाइम इट इज गिवन 0.5. सो यू कैन राइट हियर 1.5 इनटू 20 माइनस 0 जो 20 एंड 0.5. सो इट इज इक्वल टू, सो डिवाइडिंग दिस इनटू 3. सो ऑप्शन गिवन नहीं है. सो दिस ऑप्शन यू कैन राइट हियर ऑप्शन 60 वेबर इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके एंड हियर नाउ क्वेश्चन नंबर 19. कमला पैडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल. द पैडल्स ऑफ बाइसिकल आर अटैच्ड टू अ 100 टन्स ऑफ कॉइल ऑफ एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर एंड द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एंड इट इज अ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? So maximum voltage निकालना है हमें यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो कि क्या क्या given है. First number of turns given है 100. तो ये ना हम लिख लेंगे. So area is also given. तो area कितना है 0.1 square meter. The coil rotated half a revolution per second. हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड को आप समझ सकते हो कि कॉइल जो है वो हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ मतलब आधा, तो कितना है 0.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. मतलब क्या है, इट इज अ फ्रीक्वेंसी. एक सेकंड में 0.5 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो इट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी. इट इज इन हर्ट्ज. ओके सो इट मीन दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन. वी कैन राइट हियर प्रॉपरली दिस एफ इट इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज. And the magnetic field it is given, so this is the value of B, 0.01 Tesla. It is a perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage? So we have maximum voltage निकालना है. So here the angle is very important. So we have the formula phi, and phi क्या होता है? It is the B dot A, dot product of the magnetic field and area factor. So it is equal to B A cos theta. As you know, the theta is the angle between the magnetic field and area factor. So we know the Faraday's law of electromagnetic induction, that is a changing magnetic flux with respect to time that produces the EMF, that is the d phi by dt. So minus n into d by dt, we will put the value of phi from the equation first, which is dA cos theta, and we can see here
it is minus m. Now, as the BA is a constant, minus x cubic constant, here is a constant. So, we are going to only the derivative of the cos theta, okay, cos theta. So, we will take the derivative, okay. So, yahan pe dekh sakte hum, EMF, it is equal to minus nBA. So what about the derivative of cos theta? It is the minus sine theta, as the derivative of cos theta is minus sine theta. And again the derivative of this theta function, so d theta by dt. So what is the theta? Theta is the angular velocity, angular frequency with respect to time. So angular frequency with respect to time, angular displacement with respect to time. So as we will put this minus, minus will become plus nBA, and this is a sine theta, and therefore this theta d theta by dt will be the omega angular frequency. So we have angle we will get the maximum value of the maximum तब मिलेगा जब theta की value 90 degree होगी. तो theta 90 होता है तो हमें साइन की प्लस वन वैल्यू मिलती है. साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो वन होती है. तो कब होगी? अगर थीटा हमारा कितना होता है 90 डिग्री होता है, साइन 91 हो जाएगा. तो ई एम एफ इट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा. तो हम वैल्यू पुट कर दें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हमारे 100 है, डी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, यू कैन कर 0.0161 मल्टीप्लाई बाय एरिया, हियर इट इज एरिया 0.1 multiply by the value of omega, it is frequency it is given. So we can write angular frequency, it is the in terms of linear frequency 2 pi f, f it is given. So value of f it is a 0.5. so 2 5s are 10, so yahan pe ye cancel out ho jayenge. So hame milega this 100 and this will get cancelled because 10 to the power 2 and it will be 10 to the power minus 2. So base m plus 2 minus 2 will become 0, 10 की पावर 0.1 होता है. तो हमें मिलेगा 0.1 पाई, ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय पाई. पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3.14 गिव्स अस 0.314, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ओपन टू. सो वी कैन सी द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. एंड द लास्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी stored in a solenoid in terms of magnetic field B, area A and length L of the solenoid. So first of all, we should know the value of magnetic energy in terms of mutual inductance, inductance and current. So this it is mu B, it is equal to 1 by 2 L I square. This is the value of magnetic energy in terms of inductance and electric current. So as we know what is the inductance, L equal to the, it is the this mu naught times N square AL. This is the value of inductance, and the value of current we can get the from the magnetic field B is equal to mu naught times NI. So I will be it will be B upon mu naught N. So as the expression I square is given, so we will take the square, and we will get here B square divided by mu naught square N square. So we will put this value in this equation. Mu B is equal to 1 by 2. Value of L, it is mu naught N square AL multiply by the value of I square, here it is B square divided by mu naught square into N square. So N square get cancelled. Here mu naught and one mu naught get cancelled. The remaining term we can write here. D square here and this AL. So I will write AL divided by twice and this mu naught. This is the magnetic energy. And we can put the option for D square AL upon first mu naught. This D option is the correct answer of this question. In this way, this we have part 1 and part 2 and video, and in this video we have basically solved the 20 MCQ questions of the chapter electromagnetic induction class 12 physics.